नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना संकट के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में एक्टिव केस 12.1% है और कोविड से रिकवरी 86.7% हो गई है। देश के 8 राज्यों में 1,00,000 से अधिक एक्टिव केस है। 9 राज्यों में 50,000 से 1,00,000 एक्टिव केस है, वहीं 19 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पूर्वोत्तर से कई राज्यों में कोरोना के केस बढ़े हैं। हालांकि इसी दौरान यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना केस घटे हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में 2,76,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें से 77% मामले 10 राज्यों से हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 3 मई को सक्रिय मामले 70.13% थे, वे अब 12.1% रह गए हैं। रिकवरी रेट 81.7% से बढ़ाकर 86.7% हो गई है। पिछले 10 दिनों में एक्टिव मामलों और रिकवरी मामलों की तुलना करें तो 10 में से 9 दिनों में रिकवर मामले ज़्यादा दर्ज किए गए हैं। देश के कुल एक्टिव केसों का 69% सिर्फ 8 राज्यों में है। 21 राज्य ऐसे हैं जहां रोजाना रिकवर मामलों की संख्या नए मामलों से ज़्यादा है। मंत्रालय ने बताया है कि देश में पॉजिटिविटी रेट 13.2 रह गई हैं। 19 राज्य में 50,000 से कम केस हैं। महाराष्ट्र, केरल, आंध्र, बंगाल में भी कमी आ रही है। तमिलनाडु में अभी केस बढ़ रहे हैं। कमी वाले राज्य अभी सतर्क और सख्ती बनाए रखें। वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि नई गाइडलाइन कोविड से रिकवरी के 3 माह बाद तक वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। एक डोज के बाद संक्रमित हो गए तो भी 3 महीने तक वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। शिशु को स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी वैक्सीन सुरक्षित है। अब तक पूरे देश में करीब 18 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। इसमें 18 से 44 साल के बीच के लोगों को अब तक लगभग 70,00,000 डोज दी गई है। डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि कोरोना से सुधार है, लेकिन अभी भी सख्ती की जरूरत है। चेन और ब्रेक करने की जरूरत है। जल्दी टेस्ट, आइसोलेशन और इलाज पहली शर्त है। उन्होंने बताया कि अप्रैल से मई तक के बीच 20,00,000 टेस्ट रोजाना हो गए, जो रिकॉर्ड है। अब तक 20 करोड़ टेस्ट हो गए हैं। डॉक्टर बलराम भार्गव ने आगे भी कहा कि डीआरडीओ की 2DG दवा का इसका इस्तेमाल पहले कैंसर के इलाज के लिए किया जाता था।